हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सब लोगों का। तो मैं विनय यादव, टीम सीएलसी सीकर, आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा डीसीएम फॉर जेई 2021 की जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसका डीटीएस नंबर 26, क्वेश्चन पेपर 26। तो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेक्शन था आज के पेपर का, हमारा था सॉल्यूशन चैप्टर, रेडॉक्स, गैसेस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, बहुत हाई फाई भी क्वेश्चन नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि बहुत इजियर पेपर था। तो चलो शुरू करते हैं अपन लोग बेटा, बिना समय खराब किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है कि भाई टॉम एंड जेरी कोई शरारत करते हैं। एक केमिस्ट है जो लैब के अंदर जो है 10 मोलर सोल्यूशन, 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन डेवलप कर रहा है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, डेंसिटी आपको दे रखी है 3.3 ग्राम पर ml, और H2SO4 कितना है, 3 लीटर H2SO4 है ना। अब देखो यहां पे अपन लोग बात कर रहे हैं कि जेरी टॉम क्या करता है बेटा, टॉम जेरी के ऊपर जो है इस बोतल को फेंकता है। ठीक है, एसिड की, तो उसमें से कुछ एसिड बाहर निकल जा रहा है ना। अच्छा, तो यहां पे जो है जो एसिड बाहर निकला तो उसको वो बैलेंस करने के लिए उसमें पानी ऐड करा देता है और फिर से 3 लीटर उसका वॉल्यूम कर देता है। ठीक है, पूछा ये जा रहा है कि भाई जब केमिस्ट आता है तो वो एनालाइज करता है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बदल चुकी है ना, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml हो गई है और उसका परसेंटेज वेट बाई वेट 98 हो गया है ना। तो कहने का ये मतलब है कि उसमें जो सवाल है वो ये पूछा जा रहा है कि कितने H2SO4 के मोल जो है फर्श पे फैल गए हैं। ठीक है ना, जो टॉम ने शरारत करी है उसके लिए। तो शुरू करते हैं अपन लोग बेटा इस क्वेश्चन को। पहले अपन लोगों को यह पता चल जाए कि जो इनिशियल सॉल्यूशन बनाया गया था, ठीक है, इसकी मोलरिटी क्या है। तो इसकी मोलरिटी का फॉर्मूला, अपन को मोलरिटी तो पता है बेटा, अपन क्या करेंगे 1000 × 1000 × m/1000 डी प्लस, सॉरी 1000 × dm, ठीक है, अपॉन 1000 + mm ऑफ सोल्यूट, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन लोग देख रहे हैं बेटा यहां पे कि 1000 × m की वैल्यू कितनी है। m की वैल्यू है आपकी, m की वैल्यू है 10 10 मोलल, और जो है अपने पास डेंसिटी कितनी बेटा 3.3 है ना। और यहां पे 1000 + मोलर मास H2SO4 का 98 और मोलरिटी कितनी है 10। ठीक है, तो अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो है ये आएगा आपका 33000, ठीक है, अपॉन यहां पे क्या आ रहा है 101980। ठीक है, तो मतलब अपन लोग बोल रहे हैं यहां पे कि 3300 / 198 है ना। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना है बेटा, ये इसको 200 अगर अराउंड बोले हम लोग, ठीक है, तो 200 के अराउंड, ठीक है, इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली कितना आता है 6.67, 200 है ना, 16 और 6.5 के अराउंड, 16.5 के अराउंड, और ये 16.67 एग्जैक्टली आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो 16.6 के ये पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी है ना। अब इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया है अपन ने, डाइल्यूट कर दिया है ना, और वॉल्यूम अपना फाइनली उतना ही है। ठीक है, तो पहले हम ये देखें कि बिगिनिंग में मोल कितने मौजूद थे। तो बिगिनिंग में मोल H2SO4 के जो थे वो कितने थे बेटा, 16.67 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपन को कितना दे रखा है 3 है ना। तो 3 लीटर है तो अपन लोग देखेंगे तो ये 50, ठीक है, के अराउंड आता है। ठीक है, क्योंकि अपन लोगों को एग्जैक्ट फिगर दे रखे हैं 1 मोल 2 मोल, तो डेसिमल प्लेस के करस्पॉन्डिंग अपन बात नहीं कर रहे हैं, तो 50 अराउंड इसको लो। ठीक है, और यहां पे अपन लोग बात कर रहे हैं कि कितने बाद में मोल रह गए, तो मोलरिटी सेकेंड केस में अपन लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे कि 50 मोल रहा होगा। ठीक है, बिगिनिंग में। अब जो एम फाइनल है बेटा, जो फाइनल है आपको उसमें 10xD अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
है ना, मोलरिटी वर्सेस परसेंटेज वेट बाय वेट का रिलेशन है ये। तो यहां पे कितना आ रहा है, 10 इंटू वॉट, एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 1. ये 98 हो गया बेटा, ये आपका 1.5 हो गया, और यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे 98 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 15, ये क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो 15 है ये आपकी मोलरिटी, 15 आ गई है ना, और इसमें जो है वॉल्यूम कितना बेटा, वॉल्यूम है आपके पास 3 लीटर अगेन, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे कि जो फाइनल मोल हैं H2SO4 के, ठीक है, वो कितने हैं, ये हो गया बेटा 15 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 3, मतलब 45, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली मोल कितने फेल डाउन हो गए, मतलब पहले जितने थे n डेल्टा n, n इनिशियल माइनस n फाइनल, दैट कम्स आउट टू बी 50 माइनस 45, ओके। सो दिस इज व्हाट, 5 मोल। सो आंसर क्या हो गया आपका, 4th आंसर हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, इसमें आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द ग्लास बल्ब सोन इन फिगर, है ना। तो ये आपको दिया जा रहा है, इसमें गैस के मोल पता करने हैं, है ना। तो एक काम करते हैं बेटा, अपन लोगों को क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर, है ना, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, है ना। अगर अपन लोगों को इस गैस का प्रेशर पता चल जाए तो अपन लोग क्या लिखेंगे, PVE by RT is equal to what, number of moles, ठीक है। प्रेशर कैसे पता चलेगा, प्रेशर अपन लोगों को पता चलेगा यहां पे लेवल डिफरेंस से। तो अपन लोग देखें बेटा यहां पे कि प्रेशर ऑफ गैस जो आएगा, प्रेशर ऑफ गैस आएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर जो आ रहा है, ठीक है, प्लस ये जो लिक्विड भरा हुआ है ग्लिसरीन का, है ना, उसकी वजह से प्रेशर, ठीक है। अच्छा, एक तो 1 एटमोस्फियर हो गया प्लस लिक्विड का प्रेशर। अब लिक्विड का प्रेशर कितना आ रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। लिक्विड का प्रेशर समझो कैसे निकालेंगे हम लोग, 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर तक ये भरा हुआ है ना। अच्छा, अगर इसकी जगह मरकरी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते, क्योंकि मरकरी का हम लोग डायरेक्ट रिलेशन याद रखते हैं, ठीक है, क्या कि भाई 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो अपन क्या करें बेटा, प्रेशर ऑफ मरकरी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ मरकरी, एच ऑफ मरकरी इंटू रो ऑफ मरकरी, ठीक है, जी कैंसिल आउट कर दो, एच ऑफ लिक्विड जो ग्लिसरीन दे रखा है इनटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, ऐसे निकालेंगे अपन लोग, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितनी आएगी बेटा यहां से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है अपन को, 2.72 ग्राम पर एमएल, ठीक है, और मरकरी की डेंसिटी कितनी दे रखी है अपन को, 13.6, है ना। अच्छा, यहां पर हाइट ऑफ दिस वन इज व्हाट बेटा, अपन लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अपन देखेंगे ये जो वैल्यू आ रही है ये आएगी 0.2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, 0.2 टाइम्स अगर ये जा रहा है तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसको, ये वैल्यू आएगी मरकरी के टर्म्स में 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आएगा, 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब यहाँ पे ग्लिसरीन की जगह अगर मरकरी भरा होता तो अपन लोगों का ये कॉलम कितनी लेंथ का होता बेटा, 100 सेंटीमीटर। तो अपन लोग बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है ना, 100 बाई यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 76, है ना। अच्छा, तो ये आ रहा है आपका 176/76, ये आपका प्रेशर ऑफ गैस आ गया, है ना। अच्छा, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे, जैसा कि अपन लोगों को पता था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे बेटा यहाँ पे, आपके पास प्रेशर कितना है, 176/76, है ना। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 10 लीटर अपॉन,
आर की वैल्यू कितनी है बेटा 0.0821, ठीक है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है अपने पास, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन है ना, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, ठीक है, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.94, ठीक है, ओके। इसको मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो आप लोग जो है इसका आंसर क्या आएगा 0.94, है ना। बढ़ते हैं आगे, आपको बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सो एज टू गेट द सॉल्यूशन व्हिच हैज डिफरेंस ऑफ 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका क्वथनांक और हिमांक में अंतर वो बोल रहे हैं 104 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम जलीय विलयन की बात करें बेटा, ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अगर अपन लोग जलीय विलयन बना रहे हैं, ठीक है, तो जलीय विलयन में इसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा टीएफ हो गया और ये आपका टीबी है, तो वो कह रहे हैं ये पूरा कितना है 104 का गैप रखता है, ठीक है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों के बीच का गैप क्या है 100, और ये जो चीज़ है बेटा ये आ रहा है आपका डेल्टा टी एफ, और ये चीज क्या है आपका डेल्टा टी बी, ठीक है। तो ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है डेल्टा टी बी जो आएगा वो कितना आएगा बेटा के बी इंटू एम, के बी की वैल्यू कितनी है 0.52, है ना, और मोलरिटी आपको पता करनी है भाई, है ना, क्योंकि मोलरिटी पता चलेगी तभी तो अपन लोग पता कर पाएंगे कि सुक्रोज के कितने मोल अपन लोगों ने उसमें ऐड कराए थे, ठीक है। तो 0.5 इंटू एम, ठीक है 0.52 इंटू एम, और डेल्टा टीएफ क्या है भाई, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू एम, ठीक है। अच्छा जी, तो अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अपने पास जो है डेल्टा टीएफ प्लस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 का जो है डिफरेंस होगा, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे ये आ रहा है 1.86, है ना, m प्लस 0.52, m इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे मोलरिटी कितनी आ गई, मोलरिटी आ गई अपने पास 4/6, 2, 8, 8, 5, 13 और 2.38, है ना, ये मोलरिटी आ गई बेटा, है ना। अपन को निकालना क्या है, मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकाले जाए भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, अपन ने मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ले रखा है बेटा 500 ग्राम, तो 500 ग्राम अपन ने मास ले रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे 4/2.38, है ना। तो ये वैल्यू जो आ रही है ये 2 times कैंसिल आउट होगा, ये तो अपन बोलेंगे 200/238, ये मोल आ गए, और ये अगर अपन लोग देखें तो करीब ये बेटा कितना हो गया 238 है ना, इसको अगर आप जो है 0.8 के अराउंड आएगा, है ना, तो 0.8 से, है ना, 0.84, है ना, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 4th, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है बेटा कि भाई 10 लीटर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली रिलीज टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली अगेंस्ट दिस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो अपन लोगों को बोला जा रहा है कि भाई एक परमाणविक कोई आदर्श गैस है, 10 लीटर आयतन को अचानक से 1 एटमॉस्फेरिक दाब तक छोड़ा जाता है, यह गैस नियत दाब के विरुद्ध रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो तय है कि ये जो प्रक्रिया है बेटा वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है अपने पास, तो इरिवर्सिबल के लिए अपन लोग क्या करेंगे, जब एडायबेटिक प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, टी फाइनल जो आता है, ठीक है, वो क्या आता है भाई, अपन लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा उसका, सी वी एम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड पी एक्सटर्नल अपॉन पी वन इंटू आर, ठीक है, अपॉन सी वी एम पी एक्सटर्नल
अपॉन पी फाइनल, ठीक है, इंटू आर और टी इनिशियल। समझ रहे बात को? ये फॉर्मूला है ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, वैल्यूज पुट करनी है। तो सीवीएम की जहां तक बात है तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी कितना होता है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, थ्री। तो थ्री बाई टू आर करेंगे अपन लोग, थ्री बाई टू आर, ठीक है। प्लस पी एक्सटर्नल कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर अपन लोगों का वन एटमोस्फियर है और इनिशियल प्रेशर कितना है, वन बाई टेन। तो अपन लोग बोलेंगे दिस इज वॉट, 0.1 आर, ठीक है। और यहां पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका सीवीएम 3/2 आर, और पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या होगा बेटा, पी फाइनल जो है बराबर है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो अपन लोग बोलेंगे दिस इज आर एंड दिस इज वॉट, टी इनिशियल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहां पे आ रहा है आपका 1.6 आर, 1.6 आर, और ये कितना आ रहा है बेटा, ये 1.5 मतलब 2.6 है ना, 2.5 आर, 1.1 प्लस, तो आर आर कैंसिल आउट हो गया। टी इनिशियल आपको कितना दे रखा है, टी इनिशियल आपको दे रखा है 273, ठीक है। तो 273 मतलब 16/25 इंटू 273 है ना, तो ये करीब करीब कितने बार जाएगा बेटा, ये लगभग 11 बार जाएगा, 275 मान लो उसको, तो ये कितना आएगा 176। तो 176 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा आ रहा है बेटा, 174.9। सो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि और तो कोई टेम्परेचर दिख नहीं रहा है। बाकी आपको वॉल्यूम निकालना है, इच्छा है तो निकाल लो, ठीक है। वैसे तो अपन लोगों को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है तो फॉलो तो करेगी, है ना। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू वॉट, P2 V2 अपॉन T2। आपको यहाँ पे V फाइनल निकालना है, तो V फाइनल क्या होगा बेटा, V2 जो आएगा आपका ये आएगा P1 बाई P2, है ना, और ये आपका P1 बाई P2 हो गया, और ये आपका हो गया T2 बाई T1, और यहाँ पे V1। आप इसको पुट करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा बेटा वो 64 लीटर अराउंड आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू कर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ, समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आपको बोला जा रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज X1, है ना। ओके भाई, द बेंजीन इज X2। तो इसको जरा ग्राफिकली मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे देखो बेटा, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ये आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो है आपका जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोल रहे हैं, इन दोनों की एनर्जी का गैप जो होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा। जहां तक हाइड्रोजनेशन की बात है तो बेंजीन C6H6, ठीक है, हाइड्रोजनेट होके 3 मोल हाइड्रोजन का यूज करेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं अपन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो C6H6 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो अगर ये 3 पाई बॉन्ड इसके मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन। और एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी ये इथीन की जो एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन की, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा, 3X1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, इथीन में सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3X1 आएगा। फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली जो है ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, बेंजीन से देख रहे हैं तो यहाँ पे बेंजीन की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे गई, ठीक है। तो बेंजीन का जब अपन लोग हाइड्रोजनेशन कराएंगे, एक्चुअल बेंजीन का, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के साथ, ठीक है, डेल्टा एच कितना आएगा बेटा, X2 ऐसा दे रखा है अपन को, है ना। तो एक्चुअली जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो इन दोनों के बीच का गैप होगा, मतलब बेंजीन से ये हीट रिलीज होगी और जो है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है उससे ये आएगी, ठीक है, जो कि एक हाइपोथेटिकल बात है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी का गैप आया है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, वो क्या होगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, बेंजीन का, ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बीच का गैप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या आएगा बेटा, 3X1 - X2, सो आंसर शुड बी 3, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नाउ अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपको क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर आपको दे रखा है, सीपी आपको दे रखा है और सीवी पूछा गया है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, है ना। तो आपको नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है 0.25 कैलोरी पर ग्राम। तो अपन जानते हैं बेटा सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, ठीक है, या अपन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर कर दें, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा अगर पुट करते हैं, है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो सीवी इज इक्वल टू व्हाट, सीवी आएगा आपका सीपी बाई गामा, है ना। और गामा कितना है आपका, गामा अपन लोग बोलेंगे कि भाई सीपी तो आपका 0.25 कैलोरी 1+2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी नाइट्रोजन की, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइट्रोजन की आएगी आपकी 5 डायटमिक गैस है बेटा। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे 0.25 अपॉन 7 and 5, है ना, ये कितना आ रहा है बेटा 25 और 1.25 अपॉन 7, ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.1, है ना, और 5 बचा तो लगभग तो 0.18 कैलोरी पर ग्राम आएगा, है ना। तो ये बात सही है भाई, बढ़ते हैं आगे बेटा। 7वां क्वेश्चन देखो अब, ओके आपको क्वेश्चन नंबर 7 में रेडॉक्स का क्वेश्चन है, ये आपको बोला जा रहा है बेटा NaCl NaCl4, ठीक है। तो अपन लोगों को पता है कि NO नाइट्रोसोनियम आयन है और यहाँ पे परक्लोरेट आयन है, तो Cl4 माइनस हो गया, NO प्लस और Cl4 माइनस, ठीक है, तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए, मतलब आयनिक चार्ज हो गए। तो परक्लोरेट आयन पे जहां तक अपन लोग बात करें तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, X+4 -2 इज इक्वल टू -1, है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा ये X = +7, सो आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। ओके आपको बोला जा रहा है बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सीजियम हाइड्रोक्साइड विद ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, आपको प्रबल अम्ल दे रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं, ठीक है, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सीजियम हाइड्रोक्साइड का जो है 13.4 किलो कैलोरी पर मोल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा सीजियम हाइड्रोक्साइड खुद में ही एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ओके भाई, तो अपन लोग बोले हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो अपन लोग क्या बोलते हैं, H+ and OH-, ठीक है, गिव्स व्हाट, H2O। इसके लिए उन्होंने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऑब्वियस है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा एक्सोथर्मिक होती है, तो अपन लोग इसको बोलेंगे -13.4 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। अच्छा तो OH माइनस और H प्लस की ये रिएक्शन हुई, आपको बोला जा रहा है कि भाई जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है किसके साथ, CSOH का, ठीक है, HF के साथ, ठीक है, वो क्या है बेटा, यहाँ पे अपन लोगों का आएगा H2O, है ना, प्लस F माइनस। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका -16.4 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई HF का जो आयनाइजेशन हो रहा है H प्लस और F माइनस में, ठीक है, H प्लस और F माइनस में, इसका डेल्टा H नॉट क्या होगा, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो अगर अपन लोग बात कर रहे हैं यहां पे H प्लस और F माइनस जो आयनाइज हुए हैं, ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए अपन को, तो अपन एक काम करते हैं बेटा, हैस लॉ ऑफ हीट समेशन का हेल्प लेते हैं, ठीक है। अपन क्या करें इसको कि भाई अपन लोगों को बेटा यहां पे H प्लस चाहिए, है ना, तो अपन क्या करें इसमें, इस इक्वेशन को आप एज इट इज लिखो, सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से रिवर्स करके ऐड कर दो, ठीक है। इसको रिवर्स करोगे तो एंथैल्पी क्या होगी बेटा, नेगेटिव में चली जाएगी, है ना, तो यहां पे क्या आएगा, फिर बचेगा क्या अपने पास, देखो अगर इसको रिवर्स करके मैं लिखता हूं तो OH- OH- कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है,
और एच एफ विल गिव वॉट एच प्लस प्लस एफ माइनस और एच टू ओ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बचेगी, मतलब थर्ड रिएक्शन जो होगी वो सेकेंड रिएक्शन और फर्स्ट रिएक्शन का रिवर्स, ठीक है, करने पे अपन लोगों को मिल जाएगी, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी है, -16.4, है ना, और यहाँ पे -13.4, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका -3। सो आंसर इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन यूजुअली एसिड्स की अपन लोग देखते हैं कि पॉजिटिव आती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर एफ माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा एफ माइनस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको कंपनसेट करने के चक्कर में क्या है यहाँ पे -3 साइन आता है, ठीक है, नेगेटिव आती है वैल्यू। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके आपको बोला जा रहा है वर्क डन इन ओपन वेसल एट 300 केल्विन व्हेन 92 ग्राम सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है भाई, तो सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ क्या होती है भाई, अगर अपन देखें तो यहां पे सोडियम की रिएक्शन होगी बेटा NaOH प्लस हाफ ऑफ H2, ठीक है। अच्छा जी, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि वर्क डन इन ओपन वेसल व्हेन 92 ग्राम सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो 92 ग्राम सोडियम का मतलब कितने मोल सोडियम, 23 से डिवाइड करो तो ये 4 मोल आएगा बेटा, है ना। अगर 4 मोल सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ ओपन कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना इवॉल्व होता है, 2 मोल, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे कि जो वर्क डन होगा, ठीक है, मैकेनिकल वर्क जो होगा वो क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी, है ना। अच्छा, तो पी एक्सटर्नल कितना है अपना, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो अपन लोग 1 एटमोस्फियर ले रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा बेटा, अब यहाँ पे डेल्टा वी जो आएगा, टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा है, अपन क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एन जी कितना है अपने पास, डेल्टा एन जी आ रहा है आपका 2, है ना, 2 मोल का चेंज आया, और आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, R की वैल्यू अपन लोगों को 8.314 लेनी है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना लेना बेटा, 300, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ये 24.6 के मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज व्हाट, ये आ रहा है आपका 49.2 के अराउंड इंटू 100, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे नेगेटिव में 5 आ रहा है, सो -5 किलो जूल, ये फर्स्ट आंसर होना चाहिए इसका, -5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, समझ आ गई बात। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बेटा सॉल्यूशन चैप्टर से अपन लोगों का, अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 cm² इज फिटेड विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एट इट्स वन एंड, एक्व सोल्यूशन भर दिया अपन लोगों ने, कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि एक ट्यूब है ना, और उसमें जो है इस सिस्टम को अपन लोगों ने क्या करा, पानी में भर दिया, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि इसमें जो सोल्यूशन है, ठीक है, किसका जो है, केन शुगर का सोल्यूशन है, जिसकी कंसंट्रेशन अपन के पास कितनी है, 0.01 मोलर, है ना। तो इसकी वजह से क्या है, हाइट गेन करेगा, ऑस्मोस यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई बेटा, तो ये क्या होगा, इसमें पानी एंट्री करेगा, ये वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशनल प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो एडिशनल हाइट ऑप्टेन हो रही है, ये वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आ रही है, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, CRT, है ना। तो अच्छा, अपन लोगों को बोला जा रहा है कि भाई सी कितना है, 0.01, R की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन लोग, R की वैल्यू 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.0821 एटमॉस्फेयर के टर्म्स में, है ना। और टेम्परेचर कितना है अपने, टेम्परेचर है बेटा 298 केल्विन, है ना, तो ये 298 केल्विन, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे, तो ये रफली 2.98/12, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली अगर अपन देखें यहाँ पे, तो इसको 3/12 करोगे, है ना, तो ये आ रहा है आपका 1/4 के अराउंड, ठीक है, ये आ रहा है 1/4 एटमोस्फियरिक प्रेशर, ठीक है। अब आपको बोला क्या जा रहा है,
विच इज प्लेस इन प्योर वाटर मैक्सिमम हाइट ऑफ द वर्टिकल सोल्यूशन. ठीक है, तो 1/4 एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर आ रहा है तो अपन लोग मरकरी कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो ये प्रेशर कितना होगा बेटा, मरकरी कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो 76 सेंटीमीटर. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मरकरी 76 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर, यस और नो? ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे करीब 19 सेंटीमीटर है ना. अच्छा, तो अगर अपन लोग यहाँ पे वाटर भरते तो एच ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है, इज इक्वल टू एच ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी. ये काम करेंगे अपन लोग. तो यहाँ पे देखो बेटा, अपन लोगों ने जो मरकरी के टर्म्स में हाइट आ रही है या डेप्थ आ रही है 19, और ये कितना है 13.6 मरकरी की डेंसिटी होती है, और पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल आपको दे रखी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. तो अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना. तो ये सॉल्व करने पे क्या होगा, ये 1.36 हो गया है ना. तो इसको आप जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये कितना आएगा, लगभग 258 सेंटीमीटर के अराउंड आता है, मतलब अपन लोग बोलेंगे 2.58 मीटर. तो इसको जो है आंसर 2 इसका अप्रोक्स जाएगा. ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग तो एग्जैक्टली अपन लोग अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर आपका 2 आ गया, है ना. बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 देखो अब, है ना. आपको बोला यार बेटा 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट द सेम टेम्परेचर, द अपेरेंट परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K2SO4. तो अपन लोग बोलेंगे दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने चाहिए बेटा, K2SO4 के और ग्लूकोज सोल्यूशन के सेम होने चाहिए, है ना. ग्लूकोज का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, सॉरी K2SO4 का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, अगर ये आपको बोला जा रहा है कि परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो K2SO4 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है इसका मतलब. ओके, तो अपन लोग इसका आई निकाल लेते हैं बेटा पहले, और यहाँ पे क्या होगा के जो है आई इंटू सी, सी कितना है आपके पास 0.004 इंटू RT, है ना. और ग्लूकोज का तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 ही रहेगा बेटा, और यहाँ पे आपका 0.01, है ना, और यहाँ पे RT, तो RT कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, I की वैल्यू आ रही है आपके पास 10/4, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 2.5. अगर I की वैल्यू 2.5 आ गई तो अपन क्या लगाएंगे बेटा, K2SO4 के लिए फॉर्मूला वॉन्ट ऑफ फैक्टर के लिए 2K++ सल्फेट आयन, है ना. तो I की वैल्यू कितनी आती है, I इज इक्वल टू 1+(n-1)√α, है ना. तो अपन लोग बोलेंगे 1+(3-1) मतलब 2α, और आई आ रहा है 2.5, तो अपन लोग बोलेंगे अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1.5/2. ओके, सो 1.5/2 इज इक्वल टू 0.75. सो 75% अपन के पास ये वैल्यू आ रही है, सो आंसर आपका 3 होगा. क्लियर, बढ़ते हैं आगे. नाउ अब बात करते हैं बेटा पैराग्राफ टाइप के जो क्वेश्चंस अपन लोगों के पास आए हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस वन. ठीक है, वेयर एज फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस वन, पता ही है अपन को, पी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट इनटू एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. आपको बोला जा रहा है वेपर
प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो आपको जो है जो आदर्श बाइनरी विलयन बना हुआ है किसका, P नॉट A और B का, उसके लिए एक्सप्रेशन अपन को दे रखा है ना। अच्छा जी, पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपको पूछा जा रहा है बेटा इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B अपन को पूछा जा रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B क्या आएगा, देखो तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं बेटा, ठीक है, तो यहां पे क्या है, P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B। जरा इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, तो यहां पे ये चीज क्या है बेटा, P नॉट B के बराबर है। तो P नॉट B कितना आ गया, 32.8 है ना। अच्छा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11.2। ठीक है, तो आपके पास जो P नॉट B आ गया है वो 32.80 आ रहा है। तो 12th का आंसर आपका 32.80 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो बेटा 13 नंबर का क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं। 13 में क्या बोला जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड ए। अब देखो बेटा यहां पे अपन लोगों को सॉलिड के तौर पे ए डिसॉल्व करा जा रहा है सॉल्वेंट बी में, है ना। तो पी नॉट बी अपन लोगों को 32.8 कैलकुलेट कर ही चुके हैं अपन लोग, है ना। वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है, तो वेपर प्रेशर में अपन क्या लिखेंगे बेटा, पी नॉट बी जो कि सॉल्वेंट है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। अच्छा, ए का अगर मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो बी का कितना होगा, 0.9। तो यहां पे कितना आ रहा है, 32.8 इंटू 0.9, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, 9 72 9 2 18 है ना, और 7 25 और ये 29, ठीक है। सो यहाँ पे 29.52 है ना। सो दिस वन शुड बी द आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। चलो, पैराग्राफ वन काफी इंटरेस्टिंग था, आसान था। पैराग्राफ टू देखो बेटा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है कि भाई एक मैनोमीटर जो है, मैनोमीट्रिक सिस्टम है, इसके अंदर अपन लोगों ने डेंसिटी भरी है, लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी डेंसिटी अपन को दे रखी है, ठीक है। इज अटैच्ड टू अ फ्लास्क कंटेनिंग गैस ए, ठीक है। फिर आगे जो पूछ रहे हैं वो अपन देखते हैं इसमें, आगे क्या बोला जा रहा है, द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन द फ्लास्क, ठीक है। तो अपन लोगों को गैस ए का इनिशियल, ये आपको 38 सेंटीमीटर का जो है कॉलम है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर में निकालना है, तो अपन एक काम करते हैं बेटा, पहले अपन ये देखें कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा। 1 एटमोस्फियर तो है ही क्योंकि ओपन सिस्टम था, और यहां पे क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में हम लोग लिक्विड कॉलम को पता करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको जो डिटेल्स दे रखी हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको एक लिक्विड भरा हुआ है 5.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको तो 5.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको प्रेशर ऑफ गैस ए निकालना है एटमॉस्फेयर में। तो देखो बेटा, यहां पे अपन लोग बात करेंगे कि गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, वो एयर के प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अपन का पूरा टारगेट है कि लिक्विड का जो प्रेशर है लिक्विड कॉलम का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में कितना होगा। तो देखो ये कितना आएगा, अपन लोगों को देखना है कि भाई मरकरी के टर्म्स में पहले इसको देख लेते हैं। तो मरकरी का जो डेप्थ होता, ठीक है, वो कितना होता बेटा, एच ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन व्हाट, जो है डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। एच ऑफ लिक्विड अपन लोगों को पता है बेटा 38 सेंटीमीटर दे रखा है, लिक्विड की डेंसिटी आपको 5.44 दे रखी है, और ये आपका 13.6 होता है बेटा मरकरी का, है ना। अगर अपन लोग देखें यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर में अगर कन्वर्ट करते तो इसमें 76 सेंटीमीटर से डिवाइड करते, ठीक है। तो अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो 78 इंटू 5.44 अपॉन 13.6,
और ये कितना आ रहा है बेटा, 1/76। तो अगर हम देखें तो 38 से ये क्या है, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2.7, है ना, 2.7 और जो है 2, है ना। और ये कितना आ रहा है बेटा, 13.6, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये कितना आएगा, 0.2 एटमोसफियर, ठीक है। तो ओवरऑल प्रेशर ऑफ गैस कितना आ गया बेटा, प्रेशर ऑफ गैस आ गया आपका 1.2 एटमोसफियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया 1.2 एटमोसफियर, ठीक है। सो 1.2 एटमोसफियर विल बी द आंसर, ठीक है, 14 क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर इसमें 15 जो है, ये भी पढ़ लेते हैं अपन लोग। आपको क्या बोला जा रहा है, अच्छा आपको बोला जा रहा है कि अगर इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये गैस जो ए है वो ट्राइमराइज हो रही है, थ्राइस ए गिव्स व्हाट, A3, देन द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम की हाइट में कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये सब आपको कहानी पूछी जा रही है ना। तो यहाँ पे आपको लिक्विड कॉलम की जो हाइट है उसमें जो है डिफरेंस पता करना है, ठीक है। ऐसे सिस्टम ले लो। तो अगर अपन लोगों को इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट पता ही है बेटा, वो कितना है 1.2, है ना। तो पी नॉट में से कितना हो गया, ये आपका हो गया अल्फा, आपको पता है 30% जो है ये, तो 0.3 पी नॉट ये चला गया। तो ये कितना हुआ बेटा, 3 मोल से 1 मोल बना, तो ये 0.3 से कितना बना, 0.1 पी नॉट, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई टोटल प्रेशर कितना हुआ अपने पास, टोटल प्रेशर हो गया A3 की वजह से, A3 भी गैस इस फेस में ही है ना। तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल प्रेशर हुआ बेटा पी नॉट, ठीक है, कॉमन ले लो, 1 - 0.3 + 0.1, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका कितना, 0.2, है ना। तो ये कितना है कि भाई 30% त्रिलकीकृत होती है ये, है ना। तो इसके 0.3 मोल में से कमी हुई, तो यहाँ पे कितना हुआ बेटा, ये आ रहा है आपका 0.98, नहीं 0.2 बचा, तो 0.8 बचा, कितना है बेटा 0.8। आपको पी नॉट पता चल चुका था बेटा, पी नॉट कितना है 1.2 एटमोसफियर इंटू 0.8, है ना। तो ये कितना आया, 0.96 एटमोसफियर, मतलब अंदर का जो यहाँ का प्रेशर है वो कितना है, 0.96 एटमोसफियर, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग बोलेंगे कि जो मरकरी कॉलम होगा उसकी डेप्थ कितनी होगी, मतलब जो हाइट का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। अगर अपन लोग देखें तो प्रेशर डिफरेंस कितना आया, प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि सवाल में अपन को क्या पूछा जा रहा है, दोनों कॉलमों में द्रव के स्तर की ऊंचाई, है ना। तो प्रेशर डिफरेंस कितना आया, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस पहले कितना था 1.2, अब कितना हो गया 0.96, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ रहा है आपका पॉइंट, है ना, 0.24, है ना। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया आपका एटमॉस्फेयर में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, आपने बेटा इफ अ गैस ए अंडरगोज 30% ट्राइमराइजेशन, 30% ट्राइमराइजेशन में जा रही है, देन द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम्स, ये अपन को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बेटा, देखो आपने जो है 3A जो गैस भरी हुई थी उसके 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, आपको पी नॉट तो पता ही है बेटा, पी नॉट कितना है 1.2 एटमोसफियर। पी नॉट में से अपन लोगों को पता है कि इसके 30% मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ट्राइमराइज हो रहे हैं। तो 0.3 पी नॉट इसका पार्शियल प्रेशर कम हुआ, तो ये इसका कितना हुआ बेटा पी नॉट, है ना। अच्छा जी, तो अपन लोग बोलेंगे कि जो टोटल प्रेशर होगा इस समय उस गैस सिलेंडर के अंदर वो कितना होगा, पी नॉट -0.3 अल्फा, है ना, और ये सॉरी ये कितना आएगा
0.1 है ना पी नॉट, ठीक है। अच्छा 0.3 पी नॉट से कितना बनेगा, 0.1 पी नॉट, तो अपन लोग बोलेंगे पी नॉट माइनस 0.3 पी नॉट, मतलब 1 माइनस 0.2 आएगा, तो ये आएगा आपका 0.8 पी नॉट, है ना। कहने का ये मतलब हुआ कि 0.8 तो था ही, और ये पी नॉट कितना था इनिशियली 1.2, तो मतलब ये अपन लोग बोलेंगे कि 12.96 मतलब 0.96 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, ठीक है। मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो है बेटा, अब जो है जो कि 1.2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ करता था, अब उसकी जगह कितना हो गया ये 0.96 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है अपन को, ठीक है, कि इसमें जो लेवल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है बेटा और यहाँ पे 0.96 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। तो अगर अपन लोग देखें तो मरकरी अगर यहाँ पे होती, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कॉलम डिफरेंस कितना आएगा या प्रेशर डिफरेंस कितना आया, किसकी वजह से, अपन लोग बोलेंगे कि एक तरफ तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक तरफ 0.96 है, तो जो कॉलम डिफरेंस आएगा वो 0.04 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आएगा, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग मरकरी के टर्म्स में जब बात करेंगे तो मरकरी के टर्म्स में क्या होगा, 0.04, ठीक है, 0.04 इंटू वॉट 76, ठीक है, 0.04 इंटू ये आपका 76 जो है, अपन लोगों को लेवल ऑफ क्या निकालना है बेटा, ये 0.04 के करस्पॉन्डिंग अपन लोग बोलेंगे कि मरकरी कॉलम की हाइट कितनी होगी, एच ऑफ मरकरी ये आएगा आपका 0.04 इंटू 76, है ना। अब अपन लोगों को पता करना है कि जो लिक्विड भरा हुआ है, ओरिजिनल लिक्विड जिसकी डेंसिटी 5.44 है, तो वो कितना आएगा बेटा, मरकरी कॉलम की डेंसिटी हाइट और मरकरी की डेंसिटी 13.6 अपॉन क्या है, इसकी डेंसिटी 5.44, ठीक है। सो ये आपका 5.44, ठीक है। अच्छा जी, तो जब अपन लोग इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आप इसको 544 कर दो, है ना, और ये कितना होगा बेटा, अपन लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका इसको बेटा अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये क्या होगा, 10 टाइम्स जाएगा, है ना, इसको डेसिमल प्लेस को हटाओगे तो यहाँ से 7.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया 15 क्वेश्चन। सेवन पॉइंट सिक्स इज द आंसर, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे बेटा 16वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब अपन का सेक्शन बी आ गया है, इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है, तो मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलरिटी ऑफ केमिनोफोर सॉल्यूशन कैन प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 ग्राम ईच ऑफ CO2 एंड वाटर, ठीक है, विद 2 लीटर ऑफ केमिनोफोर रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन हो रही है ना। अच्छा, और 2 लीटर क्या है, उसका वॉल्यूम है केमिनोफोर का, रिएक्शन आपको दे ही रखी है, आपको बेटा CO2 भी प्रोड्यूस करना है और H2O भी प्रोड्यूस करना है, एक एक ग्राम तो कम से कम करना ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग 1/44 अपन को चाहिए, है ना, मोल, और यहाँ पे क्या है, इसके अपन लोगों को कितने चाहिए बेटा, 1/18 मोल, ठीक है। अच्छा, तो अगर अपन लोग बात करें कि इसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा, तो लिमिटिंग प्रोडक्ट तो ये हुआ ना कि कम से कम इतना वाटर तो प्रोड्यूस हो, क्योंकि जब वाटर इससे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि CO2 तो इससे ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा बेटा, ठीक है, समझ रहे बात को, क्योंकि उसके मोल ज्यादा रहेंगे, है ना, वाटर इससे ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, तो CO2 अपने आप ही क्या होगा, 1 ग्राम से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग प्रोडक्ट मतलब ये ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इससे ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है तो CO2 अपने आप ही क्या होगा बेटा, 1 से ज्यादा होगा, तो कम से कम आपको इतने मोल
वाटर के चाहिए, है ना। इतने मोल वाटर के लिए अपन लोग बोलेंगे कि मोल ऑफ KMnO4 कितना चाहिए अपन को। KMnO4 के मोल जो भी होंगे बेटा, ठीक है, वो मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 8 बाई, है ना। यहां पे अपन लोग बोलेंगे कि भाई KMnO4 के जो मोल होंगे और वाटर के जो मोल होंगे वो आपका जो है 2/8 का रेशियो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 2/8, तो यहां पे अपन लोगों को KMnO4 के जो भी मोल चाहिए हैं वो 1/4, ठीक है, और 1/4 इंटू क्या चाहिए बेटा, 18, है ना। इतने मोल अपन लोगों को चाहिए KMnO4 के। अब KMnO4 की मोलरिटी क्या होनी चाहिए बेटा, देखो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल टू 1/, ठीक है, 72। वॉल्यूम आपको 2 लीटर दे रखा है, तो मतलब इससे ज्यादा आपको मोल लेने ही पड़ेंगे KMnO4 के, है ना। तो मोलरिटी कितनी आएगी बेटा, 1/2 लीटर आप इधर भेज दो तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब KMnO4 को आपको 1/144 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का लेना पड़ेगा, तो उसमें आपके 1/72 मोल से ज्यादा होंगे, तभी ये जो है आपकी कंडीशन जो है 1 ग्राम वाटर और 1 ग्राम CO2 कम से कम प्रोड्यूस होना चाहिए, फॉलो हो पाएगा। तो अपन के पास 1/44 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है, एक ये हो गया, ठीक है। बाकी ये आंसर में नहीं आएगा, तो आंसर इसका हुआ 1/3/4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ओके। आपको जो है ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड और COH बिहेव्स एज एन एसिड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड और सी जो है जो इसका हाइड्रोजन सॉल्ट दे रखा है पोटेशियम के साथ, ठीक है, वो दोनों ही अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, ये सब हिंदी है। इसका पहला ऑप्शन पढ़ो बेटा, बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, जब ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं तो इट्स इक्विवेलेंट वेट आर इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट रिस्पेक्टिवली। देखो अगर अपन लोग बात करें H2C2O4 की या KHC2O4 की, ये दोनों ही KMnO4 के साथ क्या होंगे बेटा, या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, ये क्या करेंगे, खुद तो क्या हो जाएंगे बेटा, CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो इनका एन फैक्टर कितना आएगा बेटा, +3 से आप +4 जा रहे हो, इसका एन फैक्टर आएगा 2, इसका भी एन फैक्टर और इसका भी एन फैक्टर 2, क्योंकि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे एन फैक्टर अगर 2 आ रहा है तो अपन लोग बोलेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा इसका, इक्विवेलेंट वेट आएगा बेटा आपका, इक्विवेलेंट वेट आएगा m/2, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ 1। फिर आपको बोला जा रहा है 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ईच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक्चुअली नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से देखें तो एसिड बेस रिएक्शन है बेटा, एन फैक्टर इसका ऑक्सैलिक एसिड का होगा 2, एसिड बेस रिएक्शन के लिए इसका होगा 1, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी नॉर्मलिटी दे ही रखी है, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हैं, तो आप कौन सा ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलरिटी अगर होती तो अपन एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अपन लोगों को 2 भी आंसर में मिलेगा। अगेन देखो बेटा 1000 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ईच इज न्यूट्रलाइज बाय 1000 ml ऑफ, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के करस्पॉन्डिंग ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे बेटा, अगर 1000 ml की बात करें 1 × 1 लीटर, है ना, तो अपन लोग बोलेंगे कि इसके मोल तो आ रहे हैं 1 मोल के करस्पॉन्डिंग ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे 2, और यहां पे क्या है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट तो क्या होंगे बेटा, 2 होंगे ऑक्सैलिक एसिड के, क्योंकि यहां पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है जबकि यहां पे जो है इसका एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अपन लोग बोलेंगे कि यहां पे ये काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो अपन लोग बोलेंगे कि ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो थर्ड आंसर नहीं होगा। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, 1000 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ईच इज ऑक्सीडाइज बाई, तो ऑब्वियस है बेटा अगर अपन लोग बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन के तरीके से जब ये पार्टिसिपेशन कर रहे हैं
तो यहाँ पे एन फैक्टर दोनों का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे इसके मोल कितने हो गए, इसके मोल हो गए 1, ठीक है। अच्छा जी, और इसके मोल कितने हो गए, इसके मोल हो गए आपके 2, सॉरी इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए बेटा, आप देखो 2 एन फैक्टर है और मोलरिटी 1 है ना। अच्छा ना, ऑप्शन 4 देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है 1000 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच इज ऑक्सीडाइज बाई 200 ml ऑफ 2 मोलर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे 1000 ml आपको 1 मोलर सोल्यूशन ईच दिया जा रहा है ना। तो इसके मोल कितने हो गए बेटा, 1, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर 2 है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, 2 × 200, ठीक है। अच्छा ये मोलरिटी एन फैक्टर कितना होगा KMnO4 का, जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो KMnO4 जो है इनके साथ रिएक्ट करके H2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, ठीक है। तो KMnO4 खुद तो Mn+2 में जाएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, +7 से आप +2 में जा रहे हो तो इसका एन फैक्टर होगा 5, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 मतलब 10 है ना, इंटू वॉट, 5 × 2 × 200, तो कितना आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए बेटा अपने पास, 2 ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं है ना, है ना। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के और 2 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड या ठीक है जो आपका पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट है, ये आपका फोर्थ भी ऑप्शन में आएगा, मतलब 1, 2 और 4 आंसर आएगा इसका। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, गैसेस स्टेट का ये क्वेश्चन है। आप अगर देखो इसमें, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस अ गैस एट टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो गैस का कंप्रेशन तो पॉसिबल ही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुआ। क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव या बिलो लिक्विफिकेशन की बात की जाती है, ठीक है ना। कंप्रेशन तो पॉसिबल ही है ना भाई, एट अ टेम्परेचर बिलो TC द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस टू एक्ट एंड कंडेंसेशन अकर। ये बात सही है बेटा कि जो टेम्परेचर होगा अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होगा तो उसका लिक्विफिकेशन आसान होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सफिशेंटली क्लोजनेस क्लोज होते हैं। तो ये आपका एक ऑप्शन हो गया, नो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अबव TC, गैस को लिक्विफाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, तो कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल अबव TC इट इज कंसिडर्ड एज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये बात सही है बेटा कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के तौर पे जाना जाता है। तो ये आपका आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। 2, 3, 4 ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है अ गैस डिस्क्राइब्ड बाई वॉन्डोवॉल इक्वेशन, ठीक है। एक वंडरवॉल इक्वेशन से अपन लोग गैस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम्स, ये बात सही है बेटा, ठीक है। लार्ज मोलर वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मोलर वॉल्यूम लार्ज होगा तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटा, वेरी लो। प्रेशर लो होने का मतलब क्या है, मॉलिकुलर डिस्टेंसेस इतनी ज्यादा होंगी कि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी निग्लिजिबल हो जाएगा। तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो रियल गैस इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन है, वो आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी PV=nRT में, तो ये करेक्ट है, ठीक है। बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर, ये तो गलत है बेटा। लार्ज प्रेशर में तो ये क्या है, गैस हाईली डेविएट होती है, ठीक है। अच्छा तो गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, इट इज करेक्टराइज बाई वंडरवॉल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अपन लोग रियल गैस के लिए जानते हैं कि P+A/Vm का स्क्वायर (Vm-B)=RT। तो वॉन्डोवॉल कोएफिशिएंट ए और बी हैं आपके पास, है ना, और जो है वो आइडेंटिटी पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ देखते हैं बेटा। हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन दैट ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली, तो अगर अपन लोग बात करें कि वॉन्डोवॉल इक्वेशन को अगर कोई गैस फॉलो कर रही है, तो हमने वॉन्डोवॉल इक्वेशन के डेरिवेशन में ही ये जो है एक एजम्पशन माना था कि P जो गैस का होगा वो क्या होगा बेटा, P आइडियल से स्मॉलर होगा।
सो ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. सो 1, 3, 4 विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो. आपको बोला जा रहा है कि भाई 20 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, 0.2 ml 3 मोलर क्रोमियम सल्फेट इसमें ऐड करा गया है, ठीक है. फॉर्म कंप्लीटली इनसोल्युबल, मतलब जो बेरियम सल्फेट बना है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है और वो सॉल्यूशन से बाहर हो गया, प्रेसिपिटेट बना लिया है. एंड ऑल द सॉल्ट्स जो कि डिसॉल्व्ड हैं वो क्या है, डिसोसिएट हो रहे हैं पूरे तरीके से 100%. वो कह रहे हैं कि चेंज इन वॉल्यूम अगर इग्नोर कर दें, ठीक है, देन ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा घट जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है. तो चलो शुरू करते हैं अपन लोग. बेरियम क्लोराइड, ठीक है, के सॉल्यूशन में अपन ने क्रोमियम सल्फेट डाला है, तो क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस होगा और यहां पे अपन लोग जो है बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट और क्रोमियम क्लोराइड, है ना. अच्छा, तो अगर इक्वेशन को अपन लोग बैलेंस करें यहां पे, तो यहां पे 2Cr आएगा, ठीक है. तो यहां पे अपन लोग बोलेंगे 3BaCl2, ठीक है, प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, दैट गिव्स व्हाट, 3 बेरियम सल्फेट, है ना. ये इक्वेशन बनेगी. अपन देखें इसके मिलीमोल कितने मौजूद हैं बेटा, तो मिलीमोल इसके हैं 20 × 0.1, मतलब 2 मिलीमोल मौजूद हैं. क्रोमियम सल्फेट अपन ने जो डाला है उसके मिलीमोल कितने डाले हैं, 3 × 0.2, मतलब 3 × 0.2, दैट इज व्हाट, 0.6 मिलीमोल अपन ने इसके ऐड कराए, ठीक है. अच्छा, सॉल्यूशन में जो पहले बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा वो बेरियम क्लोराइड के आयनाइजेशन की वजह से रहा होगा, ठीक है. जब इसमें क्रोमियम सल्फेट अपन ने डाला है, ठीक है, तो यहां पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया, तो ये तो सॉल्यूशन से बाहर हो गया. अब क्रोमियम क्लोराइड के करस्पॉन्डिंग अपन को बात करनी है, तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे इसके 1 मोल से इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो 0.6 से 0.18 मोल रिएक्ट करेंगे, ठीक है. अच्छा तो 0.6 से 1.8 मोल रिएक्ट करेंगे. अच्छा, तो 1.8 मोल और इसके अवेलेबल कितने हैं, 2, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, ये खत्म हो गया. तो अब ये क्या होगा बेटा, 2 माइनस 1.8 कितना आएगा, 0.2, है ना. तो 0.2 मिलीमोल इसके बाकी हैं बेरियम क्लोराइड के, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट को हटा दो, क्रोमियम क्लोराइड कितना बनेगा, यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 0.6 से कितना बनेगा बेटा, 1.2 मिलीमोल, ठीक है. अच्छा, तो अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बिगिनिंग में जो पहले बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, वो किसकी वजह से था, 2 मिलीमोल बेरियम क्लोराइड की वजह से. तो बेरियम क्लोराइड के 2 मिलीमोल थे, तो बेरियम क्लोराइड आयनाइज हुआ होगा बेटा बेरियम आयन प्लस 2Cl- में, ठीक है. तो 2 मिलीमोल के करस्पॉन्डिंग अपन लोग बोलेंगे कि 2 मिलीमोल के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 6 मिलीमोल आयन्स मौजूद थे पहले, ठीक है. टोटल आयन्स कितने थे बेटा, पहले बिगिनिंग में जो आयन्स थे वो 6 मिलीमोल थे, ठीक है. अब जो 6 मिलीमोल आयन्स पहले थे, अब कितने मिलीमोल्स मौजूद हैं, मतलब आयन्स जो है कितने मौजूद है बेटा, ये 0.2 है ना. तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, यहाँ पे 3 आयन्स आएंगे, तो ये 0.6 आ गया, ठीक है. 0.6 तो बेरियम क्लोराइड की वजह से आयन्स मौजूद रहेंगे, और यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड की वजह से कितने होंगे बेटा, यहाँ पे अपन लोग देखेंगे क्रोमियम क्लोराइड का आयनाइजेशन हो रहा है, तो 4 आयन्स अपन को जनरेट होंगे, 3 क्लोराइड और 1 क्रोमियम, ठीक है. तो यहाँ पे आया 4.8, है ना. तो 4.8 प्लस 0.6, ठीक है. तो 4.8 प्लस 0.6, ठीक है, ये कितना हो गया, 5.4 मिलीमोल टोटल आयन्स हैं फाइनल सॉल्यूशन में. तो अपन लोग बोलेंगे नंबर ऑफ आयन्स क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ आयन्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, यस और नो. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, इसका मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू घटेगी और डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी घटेगी, ठीक है. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड, ठीक है. सो टीबी इज लोअर्ड, है ना. फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, ये तो नहीं आंसर होगा. फ्रीजिंग पॉइंट इज इंक्रीज, अगर फ्रीजिंग डेल्टा टीएफ घट रहा है तो टीएफ क्या होगा, बढ़ेगा. तो आंसर आपका जो जाएगा इस केस में वो जाएगा 2 और 4, ठीक है. बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से ही है. आपको बोला यार बेटा वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स, प्योर लिक्विड्स हैं ए और बी, 300 एंड 800 टॉर रिस्पेक्टिवली, व्हेन दीज 2 लिक्विड्स आर मिक्स्ड एट दिस टेम्परेचर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इन विच मोल परसेंटेज ऑफ बी इज 92,
देन टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज 0.95 एटमॉस्फेयर। तो एक काम करते हैं, पहले अपन ये देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से है, तो आइडियली ये है वेपर प्रेशर कितना आना चाहिए, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के हिसाब से कितना आना चाहिए। तो पी नॉट ए कितना है अपने पास, पी नॉट ए है 300, एक्स ए कितना बेटा 0.08 प्लस पी नॉट बी कितना है 800 और 800 इंटू वॉट 0.92, ये सुनो ठीक है। तो अपन लोग देखेंगे ये आ रहा है 24 और ये कितना आ रहा है बेटा, आप इसको देखोगे तो 736 ठीक है। तो 736 अगर आ रहा है तो ये आ रहा है 760, कितना आ रहा है 760, मतलब 760 mm आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आइडियल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। जो एक्चुअल प्रेशर आ रहा है बेटा वो 0.95 एटमॉस्फेयर आ रहा है, तो पी एक्चुअल जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो पी आइडियल से कम आ रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, और अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है ना। पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव है ना। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है तो एक ऑप्शन तो ये होगा डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो, ये भी आंसर में होगा क्योंकि ये नॉट ट्रू है, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी जीरो है, ये वन हटा देना ठीक है ना। ओके, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ये भी गलत है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको 7 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी किस किस वजह से बढ़ती है बेटा, सॉलिड अगर लिक्विड में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी ठीक है, एक्सपेंशन अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी है ना, अगर हम बात करें क्रिस्टल डिजोल्व होगा ठीक है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, और बॉइलिंग ऑफ एन एग, इसमें डीनेचुरेशन की वजह से जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े आते हैं। तो अपन लोग बात करेंगे इसका आंसर 1, 2, 3, 4 सभी होगा ठीक है। बढ़ते हैं आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोला जा रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में जो है जीरो किसकी कंसीडर करी जा रही है बेटा, एल्यूमिनियम ऑब्वियस है, जो एल्यूमिनियम जिंक सॉलिड फेस में, और ग्रेफाइट है ना। डायमंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका जो है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में, डायमंड जो है कार्बन की जो है ग्रेफाइट फॉर्म जो है एलोट्रोपिक फॉर्म स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मानी जाती है। तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए ग्रेफाइट के लिए जीरो होगा, ये बात समझ आ गई। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला जा रहा है कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पीएच बोला जा रहा है, तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है मैथमेटिकल फंक्शन लॉग माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है बेटा वो खुद में ही क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, विशिष्ट गुणधर्म बेसिकली है ना। तो ये क्या होगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगे, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो एक तो पीएच हो गया इसका आंसर ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दाब की, तो दाब भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा, क्लियर, जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपका एक्सटेंसिव है, वो अमाउंट पर डिपेंड करेगी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी की जब बात करेंगे या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो 1 मोल के लिए ही डिफाइन होती है, तो इसलिए ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ठीक है। बढ़ते हैं आगे बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन। तो अपन लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्टेट फंक्शन एंथैल्पी होता है और इंटरनल एनर्जी होता है ठीक है, वर्क पाथ फंक्शन है और हीट भी पाथ फंक्शन है ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 10 हो गया। नाउ बढ़ते हैं आगे, नाउ क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखो, इंटीरियर टाइप का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल एक्वस फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन इस 0.02046। 1 मोलल एक्वस यूरिया सोल्यूशन आपको दे रखा है ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या नहीं पता बेटा, आपको इस क्वेश्चन में नहीं पता है मोलालिटी है ना, आपको नहीं पता है, सॉरी जो है आपको केएफ नहीं पता है। तो केएफ अगर आपको नहीं पता है तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपन लोग देखेंगे डेल्टा टीएफ है ना, और ये फॉर्मिक एसिड, और यहां पे अपन लोग क्या करें, ये आ रहा है ग्लूकोज या यूरिया ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा,
ये आएगा बेटा आई इंटू के एफ इंटू एम, और यहां पे भी क्या आएगा के एफ इंटू, ये एम वन हो गया और ये एम टू हो गया, ठीक है। सो आपको बेटा इसमें फॉर्मिक एसिड का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.02046, और ग्लूकोज का कितना दे रखा है, ग्लूकोज का आपको दे रखा है सॉरी यूरिया का, यूरिया का कितना दे रखा है 1.86 और आई के एफ तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी मोलरिटी है 0.01 और इसकी मोलरिटी है बेटा 1 मोलर, ठीक है। तो जब आई निकालोगे आप, ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे कि 0.020 मतलब 2.046 अपॉन 1.86, तो आई की वैल्यू आएगी यहां से 1.1, ठीक है। अब अपन लोगों को आई की वैल्यू जब पता चल गई तो अपन क्या करेंगे फॉर्मिक एसिड के लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए देखेंगे तो फॉर्मेट आयन प्लस एच प्लस आयन, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा आएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका अल्फा। अब अपन लोगों को पता है बेटा पीएच की गणना करनी है, पीएच निकालना है, तो पहले तो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सी नॉट अल्फा, ठीक है, और सी नॉट कितना है अपने पास, सी नॉट है आपके पास फॉर्मिक एसिड के लिए 0.01, तो मतलब ये 10^3 हो गया, तो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में आपको क्या बोला जा रहा है, ओके आपको बोला जा रहा है कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन हो रही है बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहां पे कॉपर सल्फेट का जो इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, इसमें एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर आ रहा है देखो बेटा +2 से +1 में जा रहे हो तो एन फैक्टर इसका 1 आ रहा है, ठीक है ना, एन फैक्टर अगर 1 आ रहा है तो इक्विवेलेंट मास अपॉन इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 फैक्टर, तो ई बाई एम 1 ही आएगा, तो आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपको रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, आप इसके एन फैक्टर को जस्ट सिंपली निकाल लो NO3- और AS2S3, ठीक है, प्लस वाटर, है ना, तो आप यहां पे देखोगे AsO4 3- जा रहा है, ठीक है, प्लस NO+ सल्फेट आयन, ठीक है, तो सल्फेट आयन जो है आपका आर्सेनिक क्या बेटा, आप आर्सेनिक +3 ये -2, है ना, इसका एन फैक्टर देखोगे तो इसका एन फैक्टर आएगा ओवरऑल 28, है ना, 3 क्रॉस सल्फेट 6 में जा रहा है ना, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग चेंज जो हुआ, ठीक है, वो कितने का हुआ बेटा, 3 एटम है सल्फर के और 1 के करस्पॉन्डिंग 8 का चेंज 24, और ये आर्सेनिक क्या हो रहा है आप देखोगे तो यहाँ पे +5 में जा रहा है +3 से, तो यहाँ पे 2 एटम है तो चेंज कितने का हुआ 2 क्रॉस 2 मतलब 4 मतलब 28 इसका एन फैक्टर हो गया, और इसका जो है +5 से आप कहाँ जा रहे हो +2 में जा रहे हो, तो इसका +5 से +2 मतलब इसका एन फैक्टर हुआ 3, ठीक है। अच्छा तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, 28 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, 28 क्रॉस 3, है ना। अब आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो चार्ज बैलेंस होगा, ठीक है, इस तरफ चार्ज कितना है नाइट्रेट आयन -28, है ना, और इस तरफ चार्ज कितना है AsO4, पहले तो एटम बैलेंस कर लो, ठीक है, सल्फेट आयन SO4 2-, ठीक है, सारा का सारा सल्फेट कहाँ दिख रहा है अपन को, सल्फर जो है सल्फेट में दिख रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे 9 सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, 9 × 2 = 18, और यहाँ पे आर्सेनिक कितना है, आर्सेनिक कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो 6 × 3 = 18, 18 × 18 = 36, -36 और -28, तो इस तरफ क्या करो आप जो है 8H+ आएगा बेटा, 8H+ आएगा, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको यहाँ पे 4H2O लेना पड़ेगा, तो अपन लोग बोले यहाँ पे कि X की वैल्यू आ गई 28 और Z की वैल्यू आ रही है कितनी 4, तो 28/4 आपका आंसर होगा 7, ठीक है। सो ये आपका आ गया थर्ड का आंसर, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा आपको बेटा जो है लेबलिंग की ओलियम का जो है परसेंटेज
ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम सैंपल अपन लोगों को दे रखा है, तो अपन लोगों का फॉर्मूला जो आता है परसेंटेज निकालने का वो कितना आता है बेटा 18/18 इंटू एक्स, ये परसेंटेज अवेलेबल ऑफ फ्री SO3 का फॉर्मूला है वो आपको बोला जा रहा है कि ये 80/3% है, तो 80/80 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि भाई ये रिएक्शन है, ठीक है, ए गिव्स पी, डेल्टा एच आपको पता है स्पॉन्टेनियसली ओनली अबव, ठीक है, 400 केल्विन, तो अपन लोगों को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पता करनी है, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव बेटा, तो डेल्टा एच जो होना चाहिए, ठीक है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन जीरो, तो डेल्टा एस जो होगा वो ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टी होना चाहिए। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है आपके पास 2.8, और टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा 400, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 2.8 मतलब 2800/400, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे कितना आएगा बेटा आंसर, डेल्टा एस 7 जूल पर कैल्विन आएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 7, है ना। बढ़ते हैं आगे, ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है बेटा, ठीक है, वो कह रहे हैं 10 एटमॉस्फेरिक, अगर बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एट 10 एटमॉस्फेरिक इन केल्विन, ठीक है, तो जहां तक अपन लोग बात करें बेटा, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 50 केल्विन है, ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो अपन लोग क्या बोलेंगे यहां पे, लॉग ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाई 2.303 R1/T1 - 1/T2, ठीक है, आपको log 10 यहां पे P2 कितना बेटा 10, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 कितना है 1, तो अपन लोग बोलेंगे log 10 कितना होता है बेटा 1, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको 460.6 कैलोरी दे रखी है ना, अच्छा, और ये 2.303, ठीक है, इनटू व्हाट, ये R की वैल्यू 2 होगी बेटा, तो अब 4.606 आएगा, तो ये 100 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/T1 कितना है अपने पास 50 माइनस 1/T2 अपन लोगों को लिखना है, ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग देखेंगे कि 1/100 जो आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/T2, है ना, तो टेम्परेचर जो आया 1/T2 इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/100 इज इक्वल टू 1/100, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया 100 केल्विन, ठीक है, अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ओके, आपसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द व्हेन 0.1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 5 लीटर टू 25 लीटर रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, तो अपन लोगों को आइसोथर्मल मैनर में जो वर्क है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो NRT है ना 2.303 NRT log of V2 by V1, ठीक है, अपन क्या लिखेंगे बेटा इसको 2.303, N की वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है, R की वैल्यू आपको कितनी लेनी है बेटा 8.314, टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है, और log of V2/V1 मतलब 25/5 मतलब log 5 होता है 0.7, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जब आप इसको इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो है रिजल्ट आएगा बेटा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2010 आएगा, मतलब 2010 जूल, ठीक है, मतलब आपका 2.01 किलो जूल आएगा रफली, इसको 2 आंसर इसका दे गए अपन लोग, ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 3.6 किलो जूल इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज 177, ठीक है, देन द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा बेटा, डेल्टा एस नॉट ऑफ वेपराइजेशन होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी नॉट बॉइलिंग, ठीक है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर,
तो अपन लोगों के पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ रहा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। और यहाँ से अपन लोगों को ये टेम्परेचर कितना आएगा बेटा, 273 प्लस 177, ठीक है। सो 7 3 10 7 7 14 15, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4 450, ठीक है ना। अच्छा तो ये आ गया आपका 450, मतलब आप इसको 36, है ना, 3600 अपॉन 450, ठीक है। आप क्या करो, उसको 9 से कट करो, तो 9 जो कि 36 40 और 9 अपना 45, मतलब 8 आएगा, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया बेटा, 8 आ गया आपका मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का, 8 जूल पर केल्विन यूनिट होगी इसकी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 2 कैलोरी हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड 6 किलो कैलोरी वर्क इज डन, तो ऑब्वियस इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा बेटा। हीट गिवन है तो पॉजिटिव होगा, 2 प्लस वर्क डन क्या है 6, तो ये कितना हो गया 8, ये भी 8 हो गया, है ना। सो इसका आंसर 8 आ गया। नाउ बढ़ते हैं आगे। अब देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है 1 मोल गैसेस मिक्सचर है नॉर्मल हेक्सेन का और नॉर्मल हेप्टेन का, इसको अपन लोग कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है। कंडेंस करने के बाद कंप्लीटली इट वॉज फाउंड टू हैव द वेपर प्रेशर, मतलब ये जो सोल्यूशन बना है हेक्सेन और हेप्टेन का, ये इसका वेपर प्रेशर कितना 28 टॉर, मतलब यहां पे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, समझो बात को, यही आएगा। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल ऑफ आइसो हेप्टेन कैन बी एडेड टू दिस सोल्यूशन सो दैट वेपर प्रेशर रिमेन्स अनचेंज, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब आप इसको ऐड कराओगे तो वेपर प्रेशर ये तो बदलने से था पी नॉट ए पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन आपने चेंज करना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप कुछ भी चेंज करो, ठीक है, वेपर प्रेशर कंपलसरीली आप कोई भी कंपोनेंट ऐड कराओगे यहां पे वेपर प्रेशर चेंज होने वाला है, तो मतलब आप कोई भी अमाउंट ऐड कराओगे वेपर प्रेशर बदलेगा, इसलिए अपन लोग कोई भी अमाउंट ऐड नहीं करा सकते, तो आंसर इसका 0 0 होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।